ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सब संतन की जय। वाजी वाज 20 मार्च 2024 सारे नु बहुत मुबारक है। सारे महाराज की कृपा ना आप ठीक है उठा देंदा है रोज। थैंक यू महाराज जी। ते आज दा सत्संग आप शुरू कर दे हैं। रमेश बहन जी जयकारे लगाओ, फिर आप रेखा जी जगदीश जी ते गुलाटी साहब रोज की तरह सब तो पहला जुड़न वाले हैं जो इन शुरुआत कर दे रहे। फिर ठीक है लगाओ भैन जी। ओम बापू शरदा महाराज आपकी सदा आई। बापू नंदाचर वाले आया आपकी सदा ही जय। बोल ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय, सब भक्तों की जय। थैंक यू पैन जी। हाँ जी रेखा जी तुसी करो तुहाड़े बाद फिर मैं करना। सतीश जी जय बापू जी। जय तीन बापू। बारी ओम बोलो। बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा जय। ओम शहंशाह झंडे की सदा जय। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जदों दा मैं ये शहनशाह पा लिया। जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, शहनशाह पा लिया, मेरे बां पा लिया। शहनशाह पा लिया, बां पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। ना रेया दुख ते ना रही बीमारी। नारे दुख ते नारे बीमारी, पता नहीं केड़ी दवा दे गया, पता नहीं केड़ी दवा दे गया। जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया। जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, शहनशाह पा लिया, मेरे बां पा लिया। शहनशाह पा लिया, मेरे बाप पा लिया। जीवन दी नैया डगमग डोले, जीवन दी नैया डगमग डोले, आपे ही बन के मला आ गया, आपे बन के भला आ गया। जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया। जदों दा मैं ए शहनशाह पा लिया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया, नचा ते गावा ते खुशियां मनावा। नचा ते गावा ते खुशियां मनावा। मैं असली खजाने ते हाथ पा लिया। मैं असली खजाने ते हथ पा लिया, जदों दा मैं ए शहनशाह पा लिया, जदों दा मैं शहनशाह पा लिया। जीवन दा मैनू
आनंद जीवन का मैनू आनंद आ गया। जदों दा मैं शैन छा पा लिया, शैन छा पा लिया। अपनिया संगतां नू आपे ही तारे, अपनिया संगतां नू आपे ही तारे। आपे ही उसने गले ला लिया। आपे ही उसने गले ला लिया। जदों दा मैं शहन शाह पा लिया, जदों दा मैं शहन शाह पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया। जदों दा मैं शहन शाह पा लिया। जदों दा मैं शहन शाह पा लिया। शहन शाह पा लिया, मेहरबान पा लिया, शहन शाह पा लिया, मेरे बाप पा लिया। मैं सतगुरु दी सतगुरु मेरे, मैं सतगुरु दी सतगुरु मेरे। आपे ही बन के खुदाया गया। आपे ही बन के खुदा आ गया। जदों दा मैं ए शहन शाह पा लिया, जदों दा मैं शहन शाह पा लिया। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जीवन दा मैनू आनंद आ गया। जदों दा मैं ए शहन शाह पा लिया। जदों दा मैं शहन शाह पा लिया। शहन शाह पा लिया, मेरे बाप पा लिया, शहन शाह पा लिया, मेरे बाप पा लिया। सतगुरु मेरे अंदर बस दे, सतगुरु मेरे अंदर बस दे। जिधर भी देखा उधर पा लिया, जिधर भी देखा उधर पा लिया। जदों दा मैं ए शहन शाह पा लिया। जदों दा मैं शहन शाह पा लिया, जीवन दा मैनू मैनू आनंद आनंद आ आ गया, गया। जदों दा जदों दा मैं मैं शहन शहन शाह शाह पा पा लिया, लिया, शहन शहन शाह शाह पा पा लिया, लिया, मेरे मेरे बाप बाप पा लिया। ओम बापू बापू नंदा नंदा चोर चोरवालिया वालिया आपकी आपकी सदा। सदाई जय। हाँ जी, बहुत प्यारा, थैंक यू जी। सरोज जी, अगर आपको जल्दी है अच्छा नहीं तो सिमरन जी आएंगे पहले। हाँ रेखा जी जगदीश जी, बड़ा सुंदर भजन है, बड़े प्रेम दे नाल तुसी गाया है। मेरे ख्याल दे नाल जिहड़ी अंतरे दी तर्ज है ना, वो थोड़ा जा डिफरेंट। मैं हुण क्यों रिकॉर्डिंग ते कर रहा हां, तुसी वीडियो देख लोगे ते ये ठीक है जी, देख। बोल के पहले सारा दस दी। ठीक है। जीवन दा मैनू आनंद आ गया, जदों दा मैं शहन शाह पा ले। अब वो जेड़ा अंतर है ना, वो अपना नाले दो लाइन है, एक एक लाइन तो बाद तुहाडा बदल जांदा है ना। मैं समझ दो लाइन एदियां इस तरह होना चाहिए। सतगुरु मेरे अंतर्यामी, मैं एवं तुहानू दे रहा एग्जाम्पल दे रहा है नहीं तुहाडे अंतरे च। तर्ज है इस तरह तर्ज करनी, सतगुरु मेरे अंतरयामी, अंतरयामी ते सब देने स्वामी है। दो लाइना इको इको तरह ना, दो लाइना। सतगुरु मेरे ने अंतरयामी, अंतरयामी ते सब देने स्वामी, पाके दर्शन आनंद आ गया। पाके दर्शन आनंद आ गया, जदों दा मैं शहन चापा।
ਇਹ ਤਰਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਅੰਤਰੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਏ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨ ਹੋਣ, ਮੁਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਪੜੋ। ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਰ ਤਰਕ, ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੋਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕੋ ਤਰੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਣਾ, ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤਰਕ ਦੂ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਤਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਖੇੜਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਯਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ, ਇਹ ਤਰਜ ਦੀ ਠੀਕ ਯਾਦ ਹੈ ਰੱਖੋ, ਤਰਜ ਰੇਖਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਜ਼ੂਮ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ, ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ, ਨੱਚਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਗਾਵਾਂ ਨੱਚਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਗਨਾਂ ਮੈਂ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਰੇ ਨਾ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਦੂਸਰੀ, ਨਾ ਨਾ ਦੂਜੀ ਤਰਜ ਵੀ ਸੇਮ, ਨੱਚਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਨਾ, ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਗਾਓ ਜੀ ਗਾਓ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ 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 ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ
वाहे गुरु की फतेह। सरोज जी आप जकारा लगाए, अनम्यूट कर ले, उसके बाद कोमल जी आप तैयार रहे। थैंक यू जी। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय। ओम शहंशाह झंडे की सदा ही जय। तेरे चर्चे में सुन सुन के तेरे दरबार आई हूँ। तेरे चर्चे में सुन सुन के तेरे दरबार आई हूँ। तेरी रहमत मिले मुझको ये अर्जी साथ लाई हूँ। मेरे काना तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने आई हूँ। सुना है मैंने कृष्ण कन्हैया यहाँ खुशियाँ लुटाते हैं। सुना है मैंने बापू जी यहाँ खुशियाँ लुटाते हैं। मेरी झोली भी भर सतगुर मैं आस ले के आई हूँ। सुना है मैंने सतगुरु जी यहाँ खुशियाँ लुटाते हैं। मेरी झोली भी भर बापू मैं आस ले के आई हूँ। तेरे चर्चे में सुन सुन के तेरे दरबार आई हूँ। तेरा दर्शन करिश्मा है यहाँ हर रोज होता है। मेरे सतगुर तेरी रहमत मिले मुझको ये अर्जी साथ लाई हूँ। ये दो प्यासी मेरी अखियाँ इन्हें भी साथ लाई हूँ। तेरी मूरत से नहीं मिलती किसी की मूरत। मेरे साहिबा मेरे
ये बच्चे देखना, ये आपका साइज है, पसंद है तो आप लोग फ्रेंड्स को दो। इस साइज मैंने चेक किया, स्मॉल है, देख ले जाना, देख लेना। आई हूँ तेरे चर्चे, मैं सुन सुन के तेरे दरबार आई हूँ। मैं ही आता मुझे जीना, सतगुर बिना तेरे नहीं आता मुझे जीना, कन्हैया तेरे बिना, बिना तेरे जीऊं कैसे, सवाल तेरे पास लाई हूँ। तेरे चर्चे मैं सुन सुन के तेरे दरबार आई हूँ, तेरी रहमत मिले मुझको ये अर्जी साथ लाई हूँ। न भूली हूँ न भूलूंगी तेरे दर्शन तेरी बातें, वो फरियादे मेरी सुनना, शुक्र करने मैं आई हूँ। न भूली हूँ न भूलूंगी तेरे दर्शन तेरी बातें, वो फरियाद मेरी सुनना, शुक्र करने में आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने में आई हूँ, तेरे चर्चे मैं सुन सुन के तेरे दरबार में आई हूँ। तेरी रहमत मुझको मिले ये अर्जी साथ लाई हूँ, ये अर्जी साथ लाई हूँ। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय। बहुत प्यारा सरोज जी, थैंक यू। कोमल जी जकारा लगाए, अनम्यूट कर लें। थैंक यू जी। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी उसके बाद सदा मीना बुआ जी तैयार सरोज रहे। जी बड़े प्यार ना गाया, भी मजा आ गया, आनंद आ गया बड़ा तेरे चर्चे सुन सुन। हाँ जी की सदा ही जय। ओम जी तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ओम जी तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है।
जग को रचाने वा दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, जग को रचाने वाले तुम, दुख को मिटाने वाले तुम, जग को रचाने वाले तुम, दुख को मिटाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम बिन हमारा कौन है, ओम जी तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, माता तुम्ही पिता, बंधु तुम्ही सखा, माता तुम्ही पिता, बंधु तुम्ही सखा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है, ओम जी तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, कुछ भी नहीं हमें खबर, तेरी लगन को छोड़ कर, कुछ भी नहीं हमें खबर, तेरी लगन को छोड़ कर, अब जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है, ओम जी तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन, तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन, तेरी शरण हरी शरण, तुम बिन हमारा कौन है, ओम जी तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, ओम बापू नंदा चोरवालिया आपकी सदा ही जय, ओम शहंशाह झंडे की सदा ही जय। बहुत प्यारा कोमल जी, धन्यवाद, थैंक यू जी। वीना बुआ जी, आप अनम्यूट कर लें, जकारा लगाएं जी, थैंक यू। ओम बापू नंदा चोरवालिया आपकी सदा ही जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, जे मेरी आस पुजाई ना, तेनु है राधिका रानी दिसो, जे मेरी आस पुजाई ना, तेनु है राधिका रानी दिसो, चलदी मधानी यशोदा दी आके तू रोक लैंदा सी, चलदी मधानी यशोदा दी आके तू रोक लैंदा सी, उंगली नाल मक्खन खान वाले तेनू है उस मधानी दिसा,
उंगली नाल मक्खन खान वाले तेनू है उस मधानी दिसो जे मेरी आस पुजाई ना तेनू है राधिका रानी दिसो गवाल बाला दी गेंद खातिर यमुना च छाल मारी सी यमुना दे छाल मारी सी यमुना च छाल मारन वाले तेनू है उस पानी दिसो यमुना च छाल मारन वाले तेनू है यमुना दे पानी दिसो जे मेरी आस पुजाई ना तेनू है राधिका रानी दिसो तेनू है राधिका रानी दिसो जदों पापियों ने सती दे उतारे चीर सी सती दी लाज बचान वाले तेनू है उस साड़ी दिसो सती दी लाज बचान वाले तेनू है उस साड़ी दिसो जे मेरी लाज बचाई ना तेनू है राधिका रानी दिसो कुरुक्षेत्र दे युद्ध अंदर अर्जुन ज्ञान सिखाया सी कुरुक्षेत्र दे युद्ध अंदर अर्जुन ज्ञान सिखाया सी अर्जुन ज्ञान सिखान वाले तेनू है उस कहानी दिसो अर्जुन ज्ञान सिखान वाले तेनू है उस कहानी दिसो जे मेरी आस पुजाई ना तेनू है राधिका रानी दिसो तेनू है राधिका रानी दिसो बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत प्यारा विनय बुआ जी। पूजा नेड़े वे ते उन्होंने को वारी ले ले ते नहीं ते जदों आए ओदी वारी कर लो। ते उदे बाद कविता जी भी आ गए ने, कविता जी भी कुछ सुनाओ भी और तुसी चार्ज भी ले लो जो बुद्ध ने कहना है। जय बापू जी जय बापू जी। जय बापू जी। कविता जी मैं चार्ज ले लेती भैया से, बस मैं आज जो जल्दी जगा लूंगी ना, बच्चे घर पे जय नहीं है बापू अभी। जी। जय अच्छा बापू जी। अरे तो तब तक मेरी हाथ भी रेखा जी से लगवा दो, क्योंकि मेरे मायके का नाम भी रेखा है ना, तो ये मेरे मायके के नाम से लगा लेंगे। ठीक है। तो वाह रेखा जी आप एक और बारी नहीं, लगाओ जी। किसके मायके का नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है ना भैया माइके का। अच्छा ओह माय गॉड, यार तो रेखा बड़ा रेखा तुमने अच्छा अच्छा वाह, रेखा चलो ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है। जी हाँ का कविता आपको बना दूं क्या? हो क्या रही हो? मैं क्या 10 मिनट में हो सुना देना, मैं ना बच्चे घर पे नहीं, हाँ मैं जो घर कोई पे लगा बात, लूंगी। कोई पूजा बात सुना नहीं, दे, सुनाओ पूजा पूजा को सुन लो फिर मंदिर चल रही है। जी सुनाओ, पूजा सुनाए। हाँ जी बोल भैया। जय बापू जी। जय बापू, जय आ बापू जी। गई क्या आ रहा? पूजा, आओ जी। देखो पहले आओ जी रेखा जी बापू बोलन, जी फिर पूजा जी सारे आप जय भी बापू बारी लो, जी। और जय तब बापू थोड़ी जी, कविता जी आ मुबारक जाएगी भाई तंत और मोहन मैं भी बड़ी जिम भी भाग जाऊंगा। संतान थैंक ने। यू, मुबारक बहुत भैया। मैं कहनी हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक। मैनू सारे तो आशीर्वाद सारंगपुर वाले माता जी ने इन्ने आशीर्वाद दिते ने कि बहुत भैया मैं तानू दस ही नहीं सकती। मौजा ही मौजा तेरिया दरबार से आसी। मलोट देखो, मैं भजन सुनानी है बाद चो, पहले मेरी गाल सुन लो तुसी, मेरे भरा ही हाँ है हो सुनाओ जी, तुसी। मैं सुनाओ कहनी सुनाओ जी हर सुनाओ। बारी जिते जान वारी वारी कोट कोट के मिलो, पूजा नु मिलो पहले, पूजा नु मिलो, पूजा नु। वाह बड़े आशीर्वाद बस। दिते ने बहुत भैया सारंगपुर वाले ये माता इससे जी ने। जोर से लांबड़े दुकान खोले, डोले महाराज जी टाइम ने भी, कोई तनंदा चोले भी दुकान महाराज जी खोले ने ये भी। हमको तू बोलो मैनो आशीर्वाद दे दे, तू भैन है अभी कि तू मैन दे दे तेन हाथ में संतान दे दी था देते भैया, हैं। आशीर्वाद दे दी था भैया, इसको क्यों नहीं बोला देवाई, है प्राण ठीक ही ना देवाई है, और क्यों। स्मॉल गुलाटी साइज जी है आप तेरे को जो पसंद है म्यूट तू, करो गुलाटी जी, बाकी के स्मॉल साइज जनता हाँ भी जी स्मॉल बोलना बोल गुलाटी जी भैया म्यूट कर लो मेरे भाई। भजन। 2 मिनट में मैं आपका अच्छा बहुत हाँ जी भैया बोलो।
ਬਹੁਤ हाँ ਵਧੀਆ हाँ ਨੰਦਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋ। वाह, जय हो जय ਬੜੇ हो। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜੇ, ਤਿੰਨੋ ਤਿੰਨੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। चल तू मैनू दे आशीर्वाद, तेनू महाराज ने दिता भाई हाँ जी हाँ भैन ने। जी, जय बाबा पूरी जय तुहानू दे देनी है, जय हो, मेरा प्राण खुश रहे भाई। थैंक यू कमाल दे ये तेरे। बोला आज चोला आपकी सर। बुद्ध भैया, ये गलत बात अज होगी, ये गलत बात तू होगी। एक गल तेन दसा, ये सुपरस्टार की क्या कविता ने की क्या मैं कह ये गलत बात होगी, आप ऐसे कहते। देखो आशीष माला, तुम हमारे पूरे धूम सत्संग मैं कहने लगा था, पहले को मेरे दिमाग में यही आया था, दो। फिर मैंने कुछ सोच के नहीं कहा, मैंने कुछ सोच के नहीं कहा, मैंने कहा भी कहेंगे ये छोटी है या हमें क्यों आशीर्वाद, मैं इसलिए नहीं कहा, मैंने इसलिए मुझे पहले पता था भी सारी जोम को दो आप संगत को ले। हाँ बापू जी का आशीर्वाद सारी संगत को दे सकती हैं, लेकिन अभी मैं कहूँ पूजा को तो मेरी तो बहन है, मैं तो भी इससे प्रणाम भी इसको करता हूँ, इसको मत्था भी टेकता हूँ। हाँ मैं तो ले सकता हूँ। प्रणाम और एक गल तेन दसा, पूजा। पूजा पूजा हाँ जी हाँ जी हाँ आज जी, तू आज तू सुपर स्टार बन गई, पूछ किवें। दसो। अमिताभ बच्चन तो उच्चा तेरा रुतबा हो गया आज, दस किवें। जय जयकार। मैं सच्ची दस रहा, मैं अच्छा तुम सारे नोट करते होगे कौन बने हैं करोड़पति, जो सारी दुनिया आके ओनू मत्था टेकदी है अमिताभ बच्चन नू। वो मेरा कई बार मन करता है भी मैं अमिताभ बच्चन नू लिखा, अभी तू इस तरह ना करे, वो की कर दे पीछे हो ना, नहीं 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 बस यही है। और भी तू कह दी सुखी रहो या खुश रहो या कुछ रहो, बच्चे जो मत्था टेकते ने कोई भी, जिवें कोई भी मत्था टेके, जिवें मैं हुण पूजा नू मत्था, मैं कह मैं आशीर्वाद कहंदे आ सुखी रह, किन्नी सुंदर गल इहने कीती है पूजा, तेरा नंबर अमिताभ बच्चन तो उपर हो गया अज, क्योंकि सच्ची दस रहा, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी इस तरह करते, मैं अमिताभ बच्चन का फैन हाँ, बहुत ही नाइस आदमी है, वेजिटेरियन आदमी है, नेक आदमी, लेकिन लेकिन जिस वेले उन्हें को मत्था टेकता है ना आके, और नहीं, ये कोई जवाब थोड़ा है, नहीं, जवाब नहीं होता, सुखी रहो भी खुश रहो भी, बस मत्था मत टेका करो, गले मिल जाओ या कुछ भी कह सकते हो, नहीं, खुश रहो, आपके मन की इच्छा पूरी हो, जो शुभ इच्छा पूरी हो, या कुछ भी सुखी रहो, इतना तो कह ही सकते है ना। आज तू ऐसा कमाल की, मैं तेन कहता गया तू क्या जा भी, मेरा भरा खुश रहे सुखी रहे, थैंक यू चला पूजा, कहीं मेरा भरा रहे खुश। जय बापू जी, तेनू सदा लई तेनू सलाम है, खुश तेरे ते महाराज खुश ने भाई, तेरी तेरी ते रहो। जय जयकार है, जिदे उते रब खुश है, सतगुरु खुश ने। मम्मी दसदे ने, कल महाराज जी ने सारे घर चो बस अंदर वड़े ते बाहर आ गए। साडे घरे अच्छा अखीर ते आए, वो पूजा ने चार भजन सुना के महाराज जी ने कहंदी, महाराज जी उत्ते बैठ के चंगी तरह बह जाओ। अरे मलोट जदों भजन बोले, महाराज जी ताड़ी मारो, बापू लामड़े आ लिया। पूजा का कोई जवाब नहीं, ये डायरेक्टर ही है गाड़ी, संतों संतों नु डायरेक्ट कर देंदी भी तुम इस तरह करो। तेरे माता लामड़े वाले महाराज जी कहते, बापू जी अगू पता हाल तिकन डरने हैं भी बोल नहीं सकते, पर ये तो उन्होंने भी कह देती, महाराज जी ताड़ी मारो, महाराज जी खुश कुछ हो। माता जी भी वो भी कुछ बहुत प्यार दिता, बहुत ज्यादा। कर वो तो कहते देता सामू जी पूजा। मेरे नाल रहते हैं, वो कहते हैं बहुत भैया, हाँ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈਆ ਪੂਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵੇ ਸਾਰਾ ਪਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਜਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ, ਕੋਈ। मैं तो कहना पूजा सहारनपुर या नंदा चौर लांबड़ा साहब कितने सारे दरबारों तेरे सही नाल गल है, प्यार अच्छी मिल रहा मम्मी है। ने, मैं तो ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਔਰ ਚਾਰ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ। ਫਿਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਹਾਂਜੀ, ਲੁੱਟੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਹਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪੱਕਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੀ। पूजा ठीक आप है ही महाराज पूजनी है, करेगा। मैं क्या होता ना है ना, पूजा उधर है वो आप ही पूजनी है वाह 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 वाह, जय देश जय की जय जयकार हो रही है, पूजा देश जय देश विदेश
इंडिया अमेरिका तेरी जय जयकार हो रही है देख, ऐसे तो ज्यादा तेरा की नाम आ रहे तेरे, बिल्कुल ये ना माता जी आए ना तो माता जी दे नाल ही बेड ते बह गई कोल ओना दे जप्पी पा के दे भजन बोल ओ शेषी नुवरी आईया ओ कहंदिया बिल्कुल माता जी नाल अंदर नूर पूरा आया पे ओने पैसे वारे बढ़िया ही खुश होईया आज तक कहंदी गल तो होई ना दोनों बढ़िया ठीक है संता दे नाल बैठ के तुहाडे ते भी असर हो जांदा है थोड़ा जा तुहाडे ते भी नूर आ जांदा है सच्ची गल है कोई शक नहीं फोटो पावांगी मेरी फोटो देख लिया जे ठीक है ठीक है नंदा चोले महाराज नु वखानिया सी बोध भैया नंदा चोले महाराज जी पता की कहंदे मेनू कहंदे मैं महाराज जी बैठ ते बह जाओ कहंदे पुत्र मैं नंदा चोल नहीं जाना तेरे को रह जावा ते दरबार कोर संभाले जाके बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा आपकी सदाई जय राम जी महाराज आपकी सदाई जय बापू लांबड़े वाले आपकी सदाई जय मेरे सोने गुरु मेरे प्यारे गुरु जद मैं आवा दिल करदा मैं वापस ना जावा मेरे सोने गुरु मेरे प्यारे गुरु जद मैं आवा ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा तेरे नाम वाला पाया मैं गाना मैनू भूल गया सारा जमाना तेरे नाम वाला पाया मैं गाना मैनू भूल गया सारा जमाना मेरे सोने गुरु जी मेरे प्यारे गुरु दर ते आवा ओ जी करदा मैं वापस ना जावा तेरे नाम वाला पाया मैं गहना तेरे नाम वाला पाया मैं गहना मैनू भूल गए भाई ते बहना मैनू भूल गए भाई ते बहना मेरे सोने गुरु जी मेरे प्यारे गुरु दर तेरे आवा दिल करदा मैं वापस ना जावा दिल करदा मैं वापस ना जाऊं तेरे नाम वाली चढ़ गई खुमारी मैनू भूल गई दुनिया सारी तेरे नाम वाली चढ़ गई खुमारी मैनू भूल गई दुनिया सारी मेरे सोने गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जद मैं आवा दिल करदा मैं वापस ना जावा ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा तेरे नाम वाली ला लई मैं मेहंदी मैनू दुनिया है पागल कहंदी तेरे नाम वाली लाली मैं मेहंदी मैनू दुनिया है पागल कहंदी मेरे सोने गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जद मैं आवा दिल करदा मैं वापस ना जावा ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा तेरे नाम लेके सत संग आके
मैनू भूल गए रिश्ते ते नाते, तेरे नाम लेके सतसंग आके मैनू भूल गए रिश्ते ते नाते, मेरे रिश्ते भी तू मेरे नाते भी तू दर तेरे आवा, वो दिल करदा मैं वापस ना जावा, वो दिल करदा मैं वापस ना जावा, मेरे सोने गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जद मैं आवा, दिल करदा मैं वापस ना जावा, ओ दिल करदा मैं वापस ना जावा, ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदाई जय, ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदाई, ओम बापू लांबड़े वालिया आपकी आपकी सदाई जय। वाह बहुत सुंदर है ना प्यार वाला भजन, और वाकई है जिस वे भी जाने दरबारा ते मन करता है बस हुण सारा कुछ छड़ के इत्थे ही रह जाइए, कई बार इस तरह मन करता है। पर चलो मैं भैया मलोटो आई ना बोध भैया मैं ते मेरा ना आई ना स्टेज ते महाराज जी नु लांबड़े वाले महाराज जी नु संत मिलते हैं जग में हजारों वाला, कहंदे तू ता ना छा गई ओंदे तो सुखदेव तो भी छा गई कहंदे महाराज जी कहंदे। वाह सारे राव दा सारे छाए ने सुखदेव जी छाए ने जो भी भगत है महाराज दा जो गांदा है जो सुंदर सब छाए ने पूरी छाई। अच्छा गल सुन कंपैरिजन, अच्छा सुन मेरी गल ठीक है। लामड़ा साहब महाराज का धन्यवाद, इन्ना दिन सारे भी प्यार सारे दरबारा सब का बहुत बहुत धन्यवाद है, तेन इन्ना प्यार मिलता है, असीं तेरे वी आर प्राउड ऑफ यू ते सारी संगत। अच्छा रेखा जी सारे सारे जने अनम्यूट कर लो ते पूजा बारे एक एक दो दो लाइन च दसो भी तुहानूं पूजा पूजा बारे रेखा जी तुसीं दसो पूजा का भी क्या होली है किन्नी नैचुरल है अगो पिछे नहीं कर दी सीधा ही कह दें सिंपल जीवन उच्च विचार। जोगिंदर सिंह जी तुसी जगदीश जी तुसी कुछ कहो इन्हां बारे पूजा बारे जो तुहाडे मन दी जो तुसी सोच रहे हो पवित्र आत्मा दी ए पवित्र आत्मा दी पूजा संत स्वरूप पवित्र जय बापू जी पूजा दा सब दुध ते बाल लड़के जिन्ना बाल लड़के फटाफट नीचे आ जांदा है ए गुस्सा भी बहुत जल्दी करती है गुलाटी साहब कुछ कहना चाहते हो पूजा बारे बहुत बहुत वधिया प्रेम बड़ा जी भैया तुसी भी कुछ बोल दो मेरे वास्ते भैया इनो दुनिया दा कोई मतलब नहीं इनो किसी दे मतलब ऐ नहीं भी मैं ओदा हाल चाल पूछना कोई दुख तकलीफ कोई मतलब नहीं इनो ऐ भी को भजन सुन लो दुनियादारी दी नहीं फजी ना ऐसे तो महाराज दा हां जी गुलाटी साहब सतीश जी कोई होर रीटा जी सारे कोई ना कोई कोमल जी कोई कहना चाहंदा है आईफोन ते कोई जुड़े हुए ने कुछ कहना चाहता है पूजा बारे तो फिर आप नेक्स्ट आप करिए पहले पूजा बारे को डिस्कस कर ली भी आज तुसी बोल दो हाँ जी भैया वो आपसे सुनना चाहती है कि आप क्या कहते हैं उसके बारे में भैया ने पूजा तो भाई वी आर प्राउड असी है दे जेड़े वी आर प्राउड ब्रदर्स जेड़े के पूजा दे जीवन दे जी पूजा दा जीवन महाराज साहब ने उन्होंने इस तरह बनाता भी ये सिर्फ इन दो ही दुनियादारी की गल ना पूछ दस ज्यादा नहीं करती बस सब ठीक है फिर मेरा भजन सुनो मेरा जदों ही फोन पर भी गल हो मैंने मैं महाराज ने अजय कहा मैं माता जी ने अजय कहा मैं ना अज मंदिर गई सी मैं अज व्रत रखे मैं अज पूजा की है मतलब सिर्फ महाराज की गल होंगी है
ਇਹਦੇ ਚ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੂਜਾ ਯੂ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਬੜੇ ਅਸਥਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੀਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਅੰਦਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ ਸੁਣੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਰਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਬੜਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਭਈਆ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੈ ਹੋ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੂਜਾ ਯੂ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਓਮ ਬਾਪੂ ਲਾਂਬੜੇ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਓਮ ਬਾਪੂ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਓਮ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਓਮ ਬਾਪੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਆਈ ਜੈ ਸਭ ਸੰਤਨ ਕੀ ਜੈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗਾਡ ਬਲੈਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਧੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਈਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਲ ਸੁਖ ਚੈਨ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੇ ਲਾਂਬੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੰਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਹਸਤੀ ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਦੇ ਟਿੱਕੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਬਾਪੂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਬੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਬਾਪੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਬਾਪੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਬਾਪੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰ ਸੱਚ ਮਾਰਦੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਜ਼ ਦ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਸੰਗਤ ਜੈ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਲਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਲਾਂਬੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਨੀਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੁਣੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਜਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੀਟਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੁਣਾਓ ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਓ ਬਾਪੂ ਦਾ ਚੋਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਓਮ ਜੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਠਿਕਾਣਾ ਲੱਭਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਲੱਭਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਠਿਕਾਣਾ ਲੱਭਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਲੱਭਦਾ ਤੇਰੀ ਹਮ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਅਵਲ ਤਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਵਲ ਤਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅਵਲ ਤਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੁਪ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਠਾਰੀ ਹੋਵਾਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਤ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਠਾਰੀ ਹੋਵਾਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਤ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ ਓਮ ਬਾਪੂ ਦਾ ਚੋਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਭਜਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ
नेक्स्ट कौन जा रहा है? जय बापू जी, जय बापू, ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही है। सच के नियम बापू दा दरबार बड़ा सोना, सच के नियम बापू दा दरबार बड़ा सोना, जद दर्शन हुंदे ने दीदार बड़ा सोना, जद दर्शन हुंदे ने दीदार बड़ा सोना, सच के नियम बापू दा दरबार बड़ा सोना, मैन लोकी पुछदे ने तेरा पीर इलाही है, मैन लोकी पुछदे ने तेरा पीर इलाही है, इन्ना लोकां दा मालक है एदे हाथ च खुदाई है, कितों लत के लियांदा है अवतार बड़ा सोना, कितों लत के लियांदा है अवतार बड़ा सोना, सच कहनिया बापू दा दरबार बड़ा सोना, ए मान सरोवर इत्थे मोती मिलदे ने, ए मान सरोवर इत्थे मोती मिलदे ने, जेड़े एक बारी आ जावे पाप जन्मा दे तुलदे ने, ए चोलियां भरदा ए दातार बड़ा सोना, ए चोलियां भरदा ए दातार बड़ा सोना, सच कहनिया बापू दा दरबार बड़ा सोना, मेरे बापू प्यारे दी सयो शान निराली है, मेरे बापू प्यारे दी सयो शान निराली है, जड़ा एदा बन जावे ओदी रोज दिवाली है, वाह 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 वाह, जाए रंगदार बड़ा सोना, तन मन रंगदा ए रंगदार बड़ा सोना, सच कहनिया बापू दा दरबार बड़ा सोना, जद दर्शन हुंदे ने दीदार बड़ा सोना, जड़ा दर ते आ जावे उन दिन दे सुगाता ने, भेद भाव न रखदे ने जात पात न पुछदे ने, जड़ा दर ते आ जावे उन दिन दे सुगाता ने, भेद भाव न रखदे ने जात पात न पुछदे ने, घाटे दा सौदा नहीं ए व्यापार बड़ा सोना, सच कहनिया बापू दा दरबार बड़ा सोना, सच कहनिया बापू दा दरबार बड़ा सोना, जद दर्शन हुंदे ने दीदार बड़ा सोना, ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय। वाह वाह रीटा जी, क्या बात है तुम्हारी, बहुत सुंदर, वाह लालार बड़ा सोना, व्यापार बड़ा सोना, बहुत सुंदर। हां जी नेक्स्ट कौन सुना रहे हैं? सुनाओ जय बापू दी सारी संगत, जय बापू दी जी, जय ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय, सताराम जी महाराज आपकी सदा ही जय, उनके बिहारी लाल की जय, जय जी जय, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते,
दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। तुम्हें ही ढूंढती रहती है नजरें मेरी, तुम्हें ही ढूंढती रहती है नजरें मेरी, बिन तेरे कुछ भी नहीं प्यारे जिंदगी मेरी, बिन तेरे कुछ भी नहीं प्यारे जिंदगी मेरी। आके एक बार ही सीने से लगा क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। सुना है पापी भी तर जाते हैं तेरे दर आके, सुना है पापी भी तर जाते है तेरे दर आके, आ गया मैं भी जमाने की ठोकरे खाके, आ गया मैं भी जमाने की ठोकरे खाके, अपनी चौखट का मुझे पत्थर बना क्यों नहीं लेते, अपनी चौखट का मुझे पत्थर बना क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। मैं थक गया हूँ जमाने के ताने बुन बुन के, मैं थक गया हूँ जमाने के ताने बुन बुन के, हो गया बावरा तेरा बस तेरा बन के, हो गया बावरा तेरा बस तेरा बन के, इस जगत जाल से मुझको भी बचा क्यों नहीं लेते, इस जगत जाल से मुझको भी बचा क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते,
दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कौन नेक्स्ट? रेखा जी बिल्ला, मैं फ्री होगी, अगर बनाना हो तो बना देना। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा जय। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बापू जी तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बापू जी तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बापू जी तेरा प्यार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बापू जी तेरा प्यार मिला। जग के सब रिश्ते नाते देखे, देखा ना सच्चा प्यार कहीं। जग के सारे रिश्ते नाते देखे, देखा ना सच्चा प्यार कहीं। जहाँ दिल को आकर चैन मिले है वो आली दरबार, वो आली दरबार का। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बापू जी तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बापू जी तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। सतगुर मुझको मिल गया ऐसा, सतगुर मुझको मिल गया ऐसा, न हुआ न होगा इस जैसा। सतगुर मुझको मिल गया ऐसा, न हुआ न होगा इस जैसा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई और हमें अब क्या देगा, कोई और हमें अब क्या देगा, इस दर से जो मैंने पाया है, इस दर से जो मैंने पाया है, जिसको तरसे दुनिया सारी, जिसको तरसे दुनिया सारी, मेरे सिर पर तो वो साया है, मेरे सिर पर वो तो साया है, रब रूप धार के आया है, रब रूप धार के आया है, इसमें रब का दीदार मिला, इसमें रब का दीदार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म
मुझे बापू जी तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बापू जी तेरा प्यार मिला। जहां सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। शरदा से जो तेरे दर बैठे उसने तो सब कुछ पाया है। शरदा से जो तेरे दर बैठे उसने तो सब कुछ पाया है। धन दौलत चरणों की दासी संसार भी झूठी माया है। धन दौलत चरणों की दासी संसार भी झूठी माया है। इनसे तो इनको ही मांगो ये मिले तो सब संसार मिला। वाह इनसे तो वो ही मांगो ये मिले तो सब संसार मिला। इनसे तो इनको ही मांगो ये मिले तो सब संसार मिला। इनसे तो इनको ही मांगो ये मिले तो सब संसार मिला। पिछले कोई पिछले जन्म जन्म के के अच्छे अच्छे कर्म कर्म मुझे मुझे बापू जी बापूजी तेरा तेरा प्यार प्यार मिला। मिला। जहां सारी सारी दुनिया झुकती झुकती है है मुझे वो आली दरबार दरबार मिला, मिला। दरबार मिला। ओम ओम बापू नंदा बापूजी चोर वाल्या आपकी आपकी सदा ही जय। सदा ही जय। बहुत सुंदर बिल्कुल जी। ओ देखो रौला नहीं, सब तो जड़ा उच्चा दरबार है दुनिया झुकती है ना। बहुत सुंदर। हाँ जी अरे और सुना नान लो फिर, मैं तैयारी करता हूँ। म्यूट वाहे कर गुरु जी लो। का खालसा, वाहे गुरु वाह जी का फतेह खालसा, श्री वाहे गुरु जी जी की फतेह। फतेह। हर जियो निमाण हर जियो निमाण तुम चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान हर जियो निमाण गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म न जाना धर्म न जाना लोभी माया धारी नाम पर्यो भगत गोविंद का ते राखे पैज तुम्हारी ते राखे पैज तुम्हारी हर जियो निमाया तुम्हारी
कृष्ण चिजिया चीज हरे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान तेरी कुदरत को कुर्बान हर जियो हर जियो निमानिया तू मान जैसा बालक भई सुभाई लख अपराध कमावे जैसा बालक भई सुभाई लख अपराध कमावे करुपदेश जिड़के वो भाती बोड़ पिता गल लावे बोड़ पिता गल लावे पिछले ओगन बख्श दे प्रभ आगे मार्ग पावे पिछले ओगन बख्श दे प्रभ आगे मार्ग पावे आगे मार्ग पावे हर जियो हर जियो निमानिया तुम हर जियो हर जियो निमानिया तुम हर अंतर जामी सब विद जाने तै किस पे आख सुनाइए हर अंतर जामी सब विद जाने तै किस पे आख सुनाइए कहने कथन ना विजय गोविंद हर पल कैद रखाइए हर पल कैद रखाइए अवर मैं सगली देखी इक तेरी ओट रहाए इक तेरी ओट हर जियो हर जियो निमानिया तू मान हर जियो हर जियो निमानिया तू मान होए दयाल कृपाल प्रभु ठाकुर आपे सुने बेनंती होए दयाल कृपाल प्रभु ठाकुर आपे सुने बेनंती पूरा सतगुरु मेल मिलाए सब चुके मन की चिंती सब चुके मन की चिंती हर हर नाम अब खुद पामुख पाया जन नाम सुख विनंती हर हर नाम अब खुद सुख पाया जन नानक सुख वसंति हर जियो निमानिया तू मान नचिजिया चीज अरे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान
तेरी को तरत को हर जियो हर जियो निमानिया तू मान निमानिया तू वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी वाह 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 हर जियो बड़ा ही मेरा ही फेवरेट है बड़ा शब्द बड़ा ही सुंदर हर जियो हर जियो निमाणिया तुम्हारा बिलकुल ऊंचो नूर नीच करने वाला है ना चीजें नू चीज करने वाला है सतगुरु बहुत सुंदर शब्द थैंक यू विद म्यूजिक दे नाल तुसीं गा धन्नवाद हाँ जी ते वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह कविता बाणी गुरबाणी पढ़ी है कुछ जब किसे होर ने तो नहीं लगा मैं बोलूं हाँ जी आपको जल्दी है आपको अगर आपने सुना है तो सुनो गुरबाणी सुनो फिर प्रेम से बड़ा आपको आनंद मिलेगा पंचम पातशाही की जो गुरबाणी है वो सुनते हैं फिर आपसे भी सुनते हैं ठीक है चलो इसको सतनाम श्री वाहिगुरु जी परम सत्कार योग गुरु रूप साध संगत जी आओ फतेह बुलाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बड़ी कृपा कीती है तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की कृपा सतगुरां की कृपा परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद जेड़ा असी गुरबाणी विचार करते हैं सानू वडमुलियां घड़ियां बख्शियां महाराज ने सत्संग दियां कीर्तन दियां कृपा महाराज ने कीती है असीं उहनां दे बड़े धन्नवादी हां महाराज जी इसे पासे सिर जोड़ी रखना हमेशा ते जिस तरह के आप जानते हो कि शांति दे पुंज शहीदां दे सरताज धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम पातशाह उहनां दी रची हुई उहनां दी उचारी हुई बाणी श्री सुखमणी साहब आपां उहदी व्याख्या करदे आं उपर कथा करदे आं कोशिश करदे आं उहदा मतलब समझण दी ते गलतियां जरूर हुंदियां ने महाराज जी माफ करनगे आपां अज लड़ीवार जो आपां कथा कर रहे हैं इहदा विचार कर रहे हैं अज 22वीं अष्टपदी दे तीसरे ते चौथे पदे दी आपां कोशिश करदे आं इहदा मतलब समझण दी है आओ बड़े प्यार नाल एकाग्रचित हो के आपां इहनूं समझण दी कोशिश करिए पंजवें गुरु पंजवें गुरु नानक देव जी दा उहनां दा जोत है सारे पंजवें गुरु नानक धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की फरमा रहे ने की उपदेश दे रहे ने आओ सरवण करिए महाराज साहब कह रहे ने पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाला जियन बहु भांत जो जो रचियो सो तिसे ध्यात जिस भावे तिस लय मिलाए भक्त करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक एक जान्या जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक को सेवा बनाई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर भय निर्वैर आन दिन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखिये परलोक सुहेले नानक हर प्रभापे मेले ए लोक सुखिये परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले सतनाम श्री वाहे गुरु महाराज साहब फरमा रहे ने कि पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल ओ परम पिता परमात्मा पूरन है हर गल दे विच ओ पूरन है सर्व कला समर्थ है परम पूरम पूरन पूर रहे दयाल सारा ते दयाल दया दी दृष्टि दया दा समुंदर है भई करुणा मई सरकार है ओ ते सब ऊपर होत कृपा सारे दे उत्ते ओ दया दृष्टि वरदान हर एक प्राणी नू हर एक प्राणी दा रक्षा करदा हर एक प्राणी नू साह दे रहा हर एक प्राणी नू जीविका दे रहा खान पीन नू दे रहा
ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਈ। ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਦੀ ਉਹ ਕੌਤਕ, ਆਪਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਦੇ ਕਰਤਵ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪ, ਉਹ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਈ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪ, ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਜਾਣਾ ਆਪ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਹਿਓ ਵਿਆਪ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆਪਦੇ ਕਰਤਵ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸੈ ਧਿਆਤ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਲੇਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਦਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਵਖਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਝੱਖੜ ਤੇ ਮੀਂਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਨਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਮੀਂਹ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਏ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਦਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਸ ਉਹ ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਖਿਚੜੀ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਪਰ ਲਿਆ ਆਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ।
बड़ा रोन लग पे, महाराज मेरे तो कोई गलती होगी, महाराज मेरे ना नाराज हो गए, तुसी जिवें इस तरह भगत करते ने आपके संतां दे नाल भी, महाराज जी तुसी इह कि मेरे को की गलती होगी। कहिंदे हाँ गलती होगी तो बड़ी भारी गलती होगी तेरे तो। कहिंदा महाराज जी दसो किवें। कहिंदा गलती होगी भी तेनू पता है भी मी तेनू पता है भी महाराज हवा दे थ्रू मीह दे थ्रू पता नहीं किन्ने दियां जीविका कई भुखा सोना पे होगा, तू तो हवा बंद करा दिती, तू तो सारा देखो अंतरियामी किन्ने होंगे गुरु। कहिंदा तू सारी जड़ी जो कहिंदा हुक्म दे नाल चलना है, जो हो रहा है उन्हू महाराज नू ज्यादा पता है किनू उन्हें जीविका किस रात किस तरह नाल पहुंचानी है, किस तरह नाल मीह है झखड़ है, कोई तू ओहदे च कोई दखल नहीं देना। कहिंदा अगे तो महाराज इस तरह के भी प्रसंग आए ने, तुसी देखो अंतरयामी भी ते ओ भगत दी भी किन्नी शक्ति होएगी, किन्ने मन तो अरदास कहना है। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, पर यही एक मुश्किल है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि तुसी जिस वेले आपके गुरु ना प्रेम दे सच्चे मन अरदास कीती हुई है, परम पिता परमात्मा मी अनेरी चखड़े सब खत्म हो जाए ते मैं आपके गुरु को जाके आपदा ये जड़ी सेवा लैके चला जा खिचड़ी दे दही, उन्होंने मन सुन लेंदा तुसी प्रेम ना करो तो, लेकिन कई नुकसान ये दस्या महाराज ने भी वह दसते ने किन्नी तरह ना तुहानू पालदा है। ये देखा ना ये आपां ये पढ़िया प्रतपालै जीअन बहुत भांत, प्रतपालै जीअन बहु भांत, जो जो रचो सो तिसै ध्यात। कई तरह नाल पालदा आप दे बच्चा नूं जिहड़ा है, जल मैं जी उपाय कि तिना भी रोजी दे, जल जी मैं जल मैं जंत उपाय तिना भी रोजी दे, जल दे विच जन्म लैके दे रहा। ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਜਲ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। तेरी जय जयकार महाराज। प्रत पालै जीवन बहु भांत, जो जो रचियो सो तिसै ध्यात, जिस जिस नु परम पिता परमात्मा ने पैदा किया वो ओनु ध्यान दै। असी ये बाहर आके भुल जाने पर माता दे गर्भ असी भी बड़ा ध्यान है महाराज, सानू तो बाहर कढ़ इस नरक तो महाराज, ताकि असी तेरा नाम त्यावे असं भुलांगे नहीं, लेकिन माया ऐसी है महाराज की, माया भी ओदी है, माया तो आप परे है लेकिन साढ़े माया भी उन्हें ये ओदी खेड है, ओदी मौज है संगत जी, ये ओदी मौज है, वो असी फिर माया दे फिर उलझ जाने फिर उन्होंने भूल जाने। लेकिन कहते ने पंछी जेडे चहचाते हैं उनका धन्यवाद करते हैं कि तू सानू उठदिया ना कुछ ना कुछ दाना पानी देना महाराज, को फरूट देना किसी के मन दे पालना, किसी प्राणी के मन च पा देना, सारे जीव जंतु सब प्राणियों कुछ ना कुछ मिल जाता है खाण पीन, है ना, वो ये नहीं फिक्र करते भी कल की होएगा साडा, वो इस करके ओदी रजा च राजी रहते हैं, वो बीमार भी घट होंगे ने, कोई मतलब है तुसी ये देख रहे हो कि पंछी आराम दे नाल आपदा जीवन, क्योंकि वो उस तो इस जिहड़ी ये कुदरत दे नाल कोई खिलवाड़ नहीं करते। साडा तो कम है ना, इंसान तो कुदरत नाल इन्ना खिलवाड़ कर चुका है, इन्ना खिलवाड़ कर चुका है, इन्ना धुआं दुनिया भर का फैक्ट्रिया दे, इन्ने दरख्त कट्टी जा रहे ने, इन्ने सारे पिंड दे पिंड शहर दे शहर हो रहे ने, बड़ी ज्यादा असी ओहदे नाल फिर कहने बीमार क्यों होंगे, फिर कहने पॉल्यूशन क्यों होगी, फिर पता नहीं की तकलीफा बीमारियां आ रही ने, क्योंकि असी छेड़खानी बहुत करते हैं। ये सारी सृष्टि के नाल इंसान ही है जिहड़ा छेड़खानी करता है, कोई जीव जंतु कदे नहीं करते, उन्होंने ओहदी रजा च राजी रहने वाले है बई, असी भी उन्होंने रजा च राजी रहिए तो साडा जीवन सुखी हो बई। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ 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 ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਸੰਤ ਜਾਣਾ ਦਾ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸੈ ਦਿਆਤ, ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ
ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਰਚਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਭਗਤ ਕਰੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਵਾਹ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਹਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਝਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਧੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਨੇ ਆਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਕਰੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਐਸਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਰਾਕ ਸੋਲਿਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹਾਂ ਬਈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਨਾ ਸਮਝ, ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰੱਬ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਵਰਗ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਰਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਹਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਰਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਏ, ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਰੇਗਾ, ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਏ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕੋਈ ਜੀਸਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਏ, ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ,
ਉਹਦੇ ਚ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਕਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਸੇਵਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਭਾਈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਕੁਛ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਯੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਦਾਮਾ ਨੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਥੋੜਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਗਈ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਓ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਚ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨੀ ਮੰਗਾ ਨਾ ਮੰਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੰਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਦਾਮਾ, ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਚਾਵਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਘੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭਜਾਈ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਆਣੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਰੁਕਮਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਲਟਿਓ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਰਬੱਤ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਏ ਨਾ, ਹਨਾ, ਸੁਦਾਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਦਵਾਰਕਾਧੀਸ਼, ਦਵਾਰਕਾਧੀਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੇ ਰਾਜਾ ਆਪਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ, ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇ, ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ਆਨਦੇਨ ਪੂਜਾ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
मकान नाल कारा नाल कपड़िया नाल सारी चीजा नाल अटैचमेंट वो भी हौली हौली खत्म हो जाती। बंधन तोर भय निर्वैर किसी नाल कोई वैर नहीं, सारे प्यारे लगते हैं। एक पिता एक कसके हम बालक तू मेरा गुताई, सबको मीत हम अपन कीना हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा तो मेल कियो मेरे राजन। वो फिर सारे दे नाल किसी निर्वैर हो जाता, किसी नाल कोई वैर नहीं, बंधन तोर भय निर्वैर। आंदिन पूजा गुर के पैर, दिने रात ओदा रब दे ओ, ओ, ओ गुरु दे पैर पूजदा, गुरु दी बाणी दे उते चलदा, गुरु दी बाणी दे उते गुरु दी सिख्या उते चलदा हमेशा गुरु दे। ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। जेड़ा इस लोक दे विच जिहनू सुख मिल रहा ना सुखी है, ओदा समझ लो महाराज दी बड़ी भारी कृपा है, ते इस करके सुखी रहिंदी ए आदत है। ओ ए सारा दसदे ने संत लोग भी ए सुख जेड़ा मिलना है चीजा नाल सुख नहीं होंदा, तुहाडे मन दे मन की जी अवस्था है ना, जिस वे मन तो तुम सोच लिया भी आ चीज जनी मिली तो महाराज तेरी मौज हैगी सुखी रहोगे। जे मिल भी गई चीज को नहीं मैं थोड़ी मिली है मेरी तो काबिलियत बड़ी हैगी फिर दुखी रहोगे। ये सारी जेड़ा दुख सुख है ना तुहाडी सोच दे उत्ते है, जिवें सोच लोगे जिस तरह ना पॉजिटिव सोचोगे सुखी रहो, नैगेटिव सोचोगे तो भावें जिन्ना मर्जी कोई तुहाडे नाल दस चंगी चीजा कर ले एक माड़ी कर ले तुसी उहनूं लै के बैठ जांदे हो विआह है ना, दस वस्तु लै पाछे पावे ओही गल भी जे जिन्ने मर्जी चीजा मिल जाने ये नहीं पता भी दस भी वह हार ले तो फिर की बूढ़ा करेगा क्या है ना गुरबाणी। इस करके जिस जब जिस हालत जदों भी आपां नूं इह चाहीदा भी हर हाल दे सुखी रहण दी आपां कोशिश ना करी। कईआं दी इह आदत हुंदी है भी किवें मैं परेशान होना किवें दुखी होना किवें एवें सोचां सोचां अगे की होएगा उहदी सोच दे डर दे विच है ना पिछले दे अफसोस करना रहना। तुसीं वर्तमान दे विच जिहड़ा महाराज ने दित्ता है प्रेजेंट मीन्स इह गिफ्ट है तुहानूं प्रेजेंट जड़ा है ना ये गिफ्ट है इनू मौज करो ए आनंद मानो। पिछले नहीं पाठ किया कोई गल नहीं महाराज माफ ही असि तेरे बच्चे हैं साड़ी गलतियां हो गई दुनियादारी फसे रहे हैं महाराज हम असि तेरे चरणी लगना चाहे इस जदों मरे नेवर टू लेट। तो इस करके वही हमेशा तुसी यही समझ के चलो भी महाराज कहना यह लोग सुखिए पर लोग सुहेले, फिर ये लोग भी तुहाडा सुखी होए और परलोक भी सुहेला हो जाओ उत्थे भी सुख मिले उत्थे भी तुहानू शांति उहदे खुशी मिलेगी। वो भी नानक हर प्रभ आपे मिले ओ प्रभ दी जिहड़ी कृपा हैगी है आपने आप ही सारा कुछ उहदे सब मेले उहदे आपदे ने सब आराम अपने आप आपदे नाल मेल लैंदा आपदे आप तुहाडे नाल आपे अपने आप तुहानू आपदे विच समा लैंदा है ना। वो कहते ना भी मैं मौत आई तो मैं है कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो एक दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, मैं तो एक नदी है मैं समंदर में उतर जाऊंगा अपने आप क्योंकि मैंने महाराज ने अपने आप मिला लेना आप दे नाल ना ना फर भरा वापे मिले अपने आप मिला ले महाराज कृपा करे। असि भाई गुरबाणी उत्ते चलन की कोशिश करिए चंगे कर्म करिए जीवन साडा भी सुखी होवे ते परलोक सुहेले होण महाराज कृपा करे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु बहुत सुंदर उपदेश है ये महाराज का आप दे जीवन उत्ते वसाइए ताकि साडा जीवन भी सुखी हो सके ते महाराज जी सानू अपने आप दे नाल मिला रहे। गलतियां महाराज जी माफ करना गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम पातशाह ए तुसी पता ही नहीं केड़े केड़े आपदी रब दे नाल जुड़े हो गए जिस वेले तुसी इह गुरबाणी रची है सानू जिन्नी कुछ समझ लगती महाराज असी उह करदे आ इहदे पता ही नहीं किन्ने कुछ इहदे डूंघे किन्ने डीप ए मीनिंग्स होणगे है ना डूंगे मतलब होणगे लैणे सानू जिन्नी समझ आती महाराज असी उन्ने कु असी व्याख्या करन दी कोशिश करदे आ समझाण दी कोशिश करदे। इस करके गुरु अर्जन देव जी महाराज तुहाडे कोलों असी क्षमा 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 मंगदे हां। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी।
गलतियां चोरी लेकिन किसी नू कोई क्वेश्चन या कोई इनपुट या कोई एदे जिहड़ा आपां अज पढ़िया उहदे च कोई दसना होवे तां आपां डिस्कस कर सकदे आ उस तों बाद 5-10 मिनट जदों वी। हां जी, एक एक बड़ी सुंदर आपने कथा करी है इसमें कि पिछला बंद ये सोचता रहते कि मेरे पिछला ये हो गया ये नहीं हुआ, एक फ्यूचर के उसमें लगा रहता है। तो जो प्रेजेंट है, जो परमात्मा ने जो अब शरीर दिया है, ये श्वास दिया है, उसमें भजन सिमरन नहीं किया, वो व्यर्था कर दिया। मतलब किसी बुजुर्ग से पूछो तो वो कहते हैं कि हमारे टाइम में ऐसे होता था, इतना अच्छा होता था। किसी बच्चे से पूछो तो वो कहते हैं कि मुझे ये बनाना है, वो फ्यूचर में ये करना है, वो करना है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो बंदे को अब समय मिला है, तो वो व्यर्थ नहीं करना। जो हो चुका उसको छोड़ना है, आगे की नहीं सोचनी। जो प्रेजेंट में है उसमें भजन सिमरन में मन लगाना है। वो व्यर्था जो समय गवा देता है तो फिर वापस नहीं आता। ये बड़ी सुंदर बात आपने इसमें गुरबानी में कही है। और ये बात मुझे एक और भी अच्छी ये बात लगती है कि ये जो समय है ना, ये बड़ा सुंदर है मेरे ख्याल से। अगर मतलब के और 200 साल पहले हम आते तो तब इतनी कंफर्ट्स कहाँ थी। अभी तो इतने सुंदर अपने आप, कितनी कंफर्ट है घर के अंदर, कितने आराम से आप मतलब के। अभी थोड़े सालों की बात है, अभी हमारे सामने आए ये गीजर बाद में आए हैं, पानी भी गर्म करना, अब हर एक जगह कुछ भी सब कुछ ऑटोमेटिक, कितना कुछ। अब शावर ऑन करो, आप गर्म पानी से आप कर रहे हो स्नान कर रहे हो, कितना आसान हो गया। कोई ये जंगलों में नहीं जाना पड़ता आपको सुबह सुबह उठ के, घरों में सारा इंतजाम है। मैं कहता हूँ इतना कंफर्ट है इस माहौल में, चाहे कलयुग इसको कह दो, लेकिन इसमें भी बड़ा आराम प्रभु ने दिया। और सबसे बड़ा कर दिया अभी आप नाम जपो, सब कीर्तन करो, कीर्तन में बिल्कुल बिल्कुल। अगर सारी सुविधाएं दी है तो उसका शुक्राना भी माने है कि संतों ने तो कितने मतलब कोई जंगलों में जाकर सही होंगे, इतनी सुविधाएं हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है किसी भी तरह की, और फिर भी हम भूल के मतलब नाम ना ले परमात्मा का तो बड़ी संकोच हमारे से मूर्ख और पापी हो ही नहीं। हाँ, ये इसलिए भाई उन्होंने तो इतना कुछ दे दिया, आपने इतने सुंदर सुंदर जगह पे रह के आप आराम करो, सुंदर जगह देखने को, कितना कुछ मतलब के इंसान ने तरक्की कर ली है। लेकिन भाई उसका हर वक्त शुक्राना 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 करके अपना जीवन सफल करें भाई। जय बहुत सुंदर, हर वक्त उसका शुक्राना। हाँ जी चांद दीदी, आपका म्यूट है, आप कुछ कहना चाहती हैं चांद दीदी? मैं कहती थी सुखचैन दा कि आले फोन नहीं चुकदा पिया। चांद दीदी फिर आप फोन से गल कर लेंगे, ठीक है? मैं बैठ रहा अरदास रोज हो जाती, महाराज कृपा करेगा, हजे हॉस्पिटल च है, आप फोन से गल करा है। थैंक यू। हां जी कोई भजन महाराज कृपा करेंगे, कल भी जाके आए उन्होंने को। हां जी चलो मैं ला देना जी भजन दी हाजरी जनाब। लगाओ जी। बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदाई जय। जय जी जय। बहुत चंगा लगता सुखमनी, सुखां दी मनी। आह बिल्कुल। और मनु ये इदा बड़ा महत्व दस्या गया है, और तुसी इसदे नाल तुहाडे परिवारिक कुछ यादां जुड़ियां ने इस सुखमनी साहब दे नाल परिवार दीआं, ओह वी तुसी अक्सर सांझा करदे रहिंदे हैगे हो। बापू शरदा राम जी सुखमणी साहब खोल के दे गए, 16वीं अष्टपदी संपन्न शुरू हुई वाला। हां ठीक है। भगत प्यारे लाल जी है, जान दोगे तुसी सारे ही?
हाँ हाँ बड़ा मेरे ख्याल आगरे तो सी शायद बड़ा इन रमेश भाई साहब दे मेरे मामा जी सी मेरे मामा जी से इन्हां दे मामा जी सी हां जी भगत प्यारेलाल जी ते ओ नाम संत लाल जी उनां दे संत लाल जी संत लाल जी हां जी हां जी जी संत लाल जी दोनों जुड़ियां सी ते बापू राम जी दी इन्होंने बड़ी सेवा की जाते हुए इतिहास है दसदा गा कि बापू श्रद्धा राम जी दोनों की बांह फड़ा गए सी ते वो दिल्ली दे विच मैं तुहानू अक्सर भी कहा गा सी कि वो गांधी नगर रहिंदे सी ते उत्थों दी साइकल लैंदे उत्ते ठंड दे उत्ते टक्का आंदे गए सी वो जमाने दे विच सवेरे 4 बजे पहुंचदे सी कीर्तन करदे सी फिर बापू ने उन्हां ते कृपा की दोनों संत लाल जी नूं भी ते प्यार लाल जी नूं भी टक्का च ही उन्होंने टका साहब विच उन्होंने उन्होंने आशियाना बना के दिता ते उहदे बाद ओह मैनू एक बहुत हुण कोई अपना दुनिया छड्डन तो पहले इत्थे आए पे गए सी प्यारे लाल जी टका दरबार दे अंदर अच्छा ते ओह उन्हां दा बेटा भी हैगा सी एक नौम प्रकाश हैगा अशोक अशोक मेरे हां दा हैगा सी बिलकुल अच्छा ते ओ फिर जदों इत्थे ओ कीर्तन करदे सी ते अपना की कहंदे ने प्यारे लाल जी भी हारमोनियम ते हुंदे सी उहनां दा बेटा ओम 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 ओह भी हारमोनियम ते ते ढोलक दे उत्ते हुंदे सी भगत लाल चंद जी अच्छा ते बड़ा साथ रहा उहनां दा ते बड़ा समा परिवर्तन होया ते ओह उहनां ने फिर मैनूं फड़ लिया आए तां मैं बड़ा खुश होया प्यारे लाल जी मिल के ते उन्होंने दरबार की जिहड़ी तुसीं देखदे हो ना जिथे माता का दरबार है फिर असीं लंगर भवन वाल जाने ते ओह थड़ी जी बनी है उत्थे मैनूं बिठा लिया ते लालचंद जी उत्थे बिठा लिया ते मैनूं उन्होंने पता नहीं की बापू ने कृपा की उन्होंने कहा भी ये हरभजन सिंह है गल याद रखी सुखमनी का साहब का पाठ करना सरदार राम जी ने कहा सुखमनी साहब का पाठ जरूर करया करो इहदे चिन्ना फल है वह फिर सुखमनी साहब की की उन्हें लै रही मैं बड़ी व्याख्या करने लग पे तो जो तुम सुखनी साहब दावा कर दे ना ये व्याख्या तो बड़ा मन चंगा लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि और तुम देखा भी इसकी बड़ी महत्ता भी हैगी है तो सत्संग जी मैं जरा भजन बोल रहे आप जी के सामने बीबी हरमीत कौर जी उसले जू सत्संग जुड़ते असं दोनों ही नाल नाल बहते गए सी एक तरज प्यारी है उन्होंने तो गारी है मनु उन्होंने कहा भी तो तुम भजन लिखो दुनिया च नहीं रही है हुण उत्थों सुन रही होगी मेरे नाल हैगी है जून सत्संग ते हाले भी मैं वो पहली बार सत्संग दे चरणां च भेंट कर रहे हैं भजन इरशाद उस तो पहले मैं कह रहे भगत प्यारे लाल जी दी मैनूं जिन्नी इक्को याद आ रही अपना वेड़ा है अबोर अबोर दे विच पंजाब विच ओ वेड़े दे विच शायद हो रहा सी अपना हवन बापू शरदा राम जी ते ए नाल ए चिट्टे कुर्ते दे विच खुश रहिंदे सी हमेशा दे हर ते प्यारे लाल जी महाराज ते उहनां दा मैनूं चेहरा भी सामने आ रहा है ਤੇ ਉਹ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਭਗਤ ਪਿਆਰ ਲਾਲ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨਾ ਜੋਗੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਸੀ ਅਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਕੀ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਕਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਲਮ ਹਾਥੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਾਸਨ ਚਰਨਾਂ ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਬੜੀ ਤਜ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੈ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਕੀ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਕੀ सेवा जिसे मिल जाए एक दुनिया दी मिल जाए कपड़े धोन दी मिल जाए लंगर बनान दी मिल जाए पोचा लान दी मिल जाए प्रसाद वंडन दी मिल जाए दरबार दी गद्दी दी सेवा मिल जाए सेवा दे भी बड़े अनेक रूप हो गए ने बस कर रहे हैं बापू तेरे द्वारे की बापू तेरे द्वारे की
सेवा जिसे मिल जाए मुरझाया चेहरा उसका, मुरझाया चेहरा उसका, फूलों जैसा खिल जाए। नागपाल जी, मुरझाया चेहरा उसका, मुरझाया चेहरा उसका, फूलों जैसा खिल जाए। बापू तेरे द्वारे की अर्ज कर रहा, बापू लिखवा रहा, कृपा जिस पे बापू अपनी कर देते हैं, कृपा जिस पे बापू अपनी कर देते हैं, बिगड़ी उसकी किस्मत, बिगड़ी उसकी किस्मत, पल में ही बदल जाए। गौर करना, बिगड़ी उसकी किस्मत, पल में ही बदल जाए। बापू तेरे द्वारे की अर्ज कर रहे हैं। बेबी गुमर जी, जो दिल में बिठा तुझको तेरी पूजा करते हैं, जो दिल में बिठा तुझको तेरी पूजा करते हैं, ऐसे तेरे भक्तों की, ऐसे तेरे भक्तों की अनहोनी भी टल जाए, ऐसे तेरे भक्तों की, ऐसे तेरे भक्तों की अनहोनी भी टल जाए। बापू तेरे द्वारे की कुदरती है भजन बोल रहा था, अरुणा जी भी बैठे गए ने, ते एक मैं भजन सुनाया सी, ते भी कहंदे बगले हंसदी गल कर रहे सी कोया दी, ते ओही देखो इहदे च लैण आई हैगी है गल सुनो। हां जी, ए जेडी आपां इह कीती वी अनहोनी टल जाए, ए होनी होनी टल जाए नी बीबी, ए की कहदा पता ना, होनी होण वाली हुंदी है, तां होनी तां हुंदी हुंदी है, इक हुंदा अनहोनी वी, भई होनी तां होके अनहोनी होंदा कि अनहोनी होई है इहदे नाल, ऐसे तेरे भगत हो बगले भी तेरे दर से। अरुणा जी तुहानू नजर कर रहे, हां जी, बगले भी तेरे दर से, कौवे भी तेरे दर से, कौवे भी तेरे दर से, बनहंस निकलते हैं, बगले भी तेरे दर से, बनहंस निकलते हैं, किस्मत वाला है वो, किस्मत वाला है, जिसको तू मिल जाए, किस्मत वाला है वो, जिसको तू मिल जाए। बापू तेरे द्वारे की। जोगिंदर जी, जो श्रद्धा रख कर दिल में तेरे द्वारे आते हैं, जो श्रद्धा रख के दिल में तेरे द्वारे आते हैं, उम्मीदों की भोजी शम्मा, उम्मीदों की भोजी शम्मा, उनकी फिर जल जाए। उम्मीदों की शुक्रिया, उम्मीदों की भोजी शम्मा, उनकी फिर जल जाए। संगीता जी देखो बापू की लिखवा रहा, अर्ज कर रहा, अब गुण है भरे, तुसी कहना चोली पा दे, बापू की लिखवा रहा, अब गुण है भरे मुझ में, करूं कैसे भजन तेरा,
अवगुण है भरे मुझ में, करूं कैसे भजन तेरा, तेरी रहमत से खोटा, तेरी रहमत से खोटा, तेरी रहमत से खोटा, सिक्का भी है चल जाए, तेरी रहमत से खोटा, तेरी रहमत से खोटा, सिक्का भी है चल जाए, बापू तेरे द्वारे की। बस कहने तो जो चाहना जी, मैं सत्संग जी मैं यही फरियाद करूं, क्या तुहाड़ी तरफ बोल रहा जी, मैं यही फरियाद करूं, हर पल तुझे याद करूं, क्या मैं यही फरियाद करूं, हर पल तुझे याद करूं, एक पल भी तुझे भूलूं, एक पल भी तुझे भूलूं, ऐसा ना पल आए, एक पल भी तुझे भूलूं, एक पल भी तुझे भूलूं, ऐसा ना पल आए, बापू तेरे द्वारे की। आखिरी मकता अर्ज कर रहे हैं जनाब सत्संग दे चरणां च बीबी हरमीत कौर वालों, विशेष तवज्जो चाहूंगा, बस यही तमन्ना है बापू तेरे सेवक की, सारे सेवक है बापू दरबार दे, बस यही तमन्ना है, बस यही तमन्ना है बापू तेरे सेवक की, सिमरन सेवा करते, सिमरन सेवा करते, नम मेरा निकल जाए, बस यही तमन्ना है बापू तेरे सेवक की, सिमरन सेवा करते, सिमरन सेवा करते, दम मेरा निकल जाए, बापू तेरे द्वारे की, बापू तेरे द्वारे की, सेवा जिसे मिल जाए, सेवा जिसे मिल जाए, मुरझाया चेहरा उसका, मुरझाया चेहरा उसका, फूलों जैसा खिल जाए, बापू तेरे द्वारे की, बापू तेरे द्वारे की। शुक्रिया सत्संग, धन्यवाद जी, बहुत बहुत आप जी का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, हमेशा दी तरह थॉट्स वर्ड्स। हां जी, सारे संगत बापू जय जयकार, इनू जी जुड़ गए रोजी भी ते भी सारे सब नु सत्कारदार। हां जी लगाओ जी, लगाओ हाजरी, जो 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 भी जिवें जिवें कविता तुसी दसो पहले कि दे लो। अरुणा जी मेहरा वालिया साईया रखी चरना दे कोल, मेहरा वालिया साईया रखी चरना दे को रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल मेरा वाले आया रखी, चरना दे कोल मेरा साया रखी, चरना दे कोल
तेरे जया ना होर कोई मैनू मेरे जय लख तैनू तेरे जया ना होर कोई मैनू मेरे जय लख तैनू जे मेरे विच ऐब ना होंदे जे मेरे विच ऐब ना होंदे फिर बख्शिंदा सानू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल ओखे वेले कोई ना होंदा वीर बाप नमाही ओखे वेले कोई ना होंदा वीर बाप ना माही सबे पासे तका मेरी कोई न पकड़े बाही सबे पास तका मेरी कोई न पकड़े बाही रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे को मेरा वाले साया रखी चरना दे को तू पापी पार लंघावे बख्शन हार तेरा नाम तू पापी पार लंघावे बख्शन हार तेरा नाम बिन मंगिया तू सब कुछ देवे दिन मंगिया तू सब कुछ देवे दीन दयाल तेरा नाम बिन मंगिया तू सब कुछ देवे दीन दयाल तेरा नाम रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल लेख मेरे विच वेख मार के करमा ते ना जावी लेख मेरे च वेख तू करमा वच न जावी रखी लाज बेटी दी ते मेहर चोली विच पावी रखी लाज बेटी दी ते मेहर चोली विच पावी रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल रस्ते विच तेरे प्रभु जी निस निस बरश बिछावा रस्ते विच तेरे प्रभु जी निस निस फर्श बिछावा सोने चरण तवाडे मैं चुम चुम मथे लावा सोने चरण तवाडे मैं चुम चुम मथे लावा रखी चरना दे कोल मेरा वाले साया रखी चरना दे कोल बिछड़ गया मैं तेरे दर तो खोटे कर्म कमा के बिछड़ गया मैं तेरे दर तो खोटे कर्म कमा के हुन भी बख्श ल मैनू प्रभु अपनी कृपा करके हुन भी मैनू बख्श दो दाता अपनी कृपा करके रखी चरना दे को लमेरा वाले साया रखी चरना दे को लमेरा वाले साया रखी चरना दे को ओम बापू दा चोर वालिया वाह जी वाह रखी चरणा दे कोल बहुत सुंदर हां जी संगीता जी अब आप भागवत जी के श्लोक का वर्णन करें ठीक है बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय मीरा ने शाम पाया मीरा ने शाम पाया घन शाम रटते रटते घन शाम रटते रटते घन शाम रटते रटते
मेरा हो गई दीवानी, मेरा हो गई दीवानी, घनश्याम रटते रटते, घनश्याम रटते रटते, राजा ने भेजा मीरा को नाग की पिटारी, खोला तो देखा उसमें बैठे हैं मोहन मुरारी, मुरली बजा रहे थे, मुरली बजा रहे थे, प्यारे श्याम हंसते हंसते, प्यारे श्याम हंसते हंसते, मीरा ने श्याम पाया, घन श्याम रटते रटते, श्री राम की दीवानी शबरी मन में रहती, दर्शन की प्यासी अखियां हरदम ही तरसती, बेरों को खाने आए, बेरों को खाने आए, श्री राम हंसते हंसते, श्री राम हंसते हंसते, मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने श्याम पाया, घन श्याम रटते रटते, घन श्याम रटते रटते, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचमोध्यायः। हाँ जी प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम पांचवें अध्याय के अंतिम चरणों में हैं, अंतिम श्लोकों में हैं। हमने श्लोक क्रमांक 24 तक श्रवण किए, थोड़ा सा सारांश लेके 25वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो हमने पिछले श्लोक में श्रवण किया, भगवान अपने मुखारविंद से अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, मतलब अपनी अंतरात्मा में सुख का अनुभव करता है, जो कर्म है, मतलब अपने फेस कर लो, साइड पोज आ रहा है आप जरा। हाँ सॉरी, माफी चाहती हूँ बीच में बोलने के। हाँ अब आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, अर्थात अपने मन के अंदर अपनी अंतरात्मा में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, अपने धर्म के पालन में लगा हुआ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, अंदर ही उस परमात्मा का अनुभव करता है, जिसका मन बिल्कुल अंतर्मुखी हो चुका है, वो सचमुच में पूर्ण योगी है। वो अपने आप में पूर्ण योगी है, बहुत बड़ा संत महात्मा ज्ञानी पुरुष है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है, वो फिर पार ब्रह्म में ही लीन हो जाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वो स्वयं भी फिर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसलिए जब तक मनुष्य अपने अंदर की आत्मा में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक उसको बाह्य सुख प्राप्त होने वाली ये क्रियाओं से फिर वो नहीं छूट सकता। इसलिए अपने मन को अंदर की ओर मोड़ना है, अपने मन को अंतर्मुखी रखना है, बाहर के सुखों के आनंद को छोड़कर अपने आंतरिक मन में स्थित होना है, तभी मनुष्य को शांति का अनुभव होता है, तभी वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, किंतु कर्म करते हुए तभी उसको भगवत धाम मिल पाता है। अब अगला श्लोक,
श्लोक क्रमांक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम रशय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। आगे भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, अर्थात जिनके मन में कोई शंका नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, जिनका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जिन्हें आत्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अपना और परमात्मा का संबंध पता चल गया है, जो समस्त जीवों के कल्याणकारी कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और समस्त पापों से रहित है, बिल्कुल कोई पाप नहीं, निश्चल पुण्य आत्मा है, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो जिन्हें मुक्ति को प्राप्त होना होता है, ऐसे संत महापुरुष योगी हमेशा कल्याणकारी काम करते हैं, सबकी भलाई के लिए काम करते हैं और वो सभी पापों से मुक्त होते हैं। कहने का भाव है कि जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सब वस्तुओं का उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबके हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के कलेशों का कारण है। जब उस हम परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं, जिसने सारी सृष्टि बनाई है और जिसके परम नियंता अर्थात जिसके कंट्रोल में ये सारी सृष्टि है, परम सखा जो हमेशा सुख दुख में हर मनुष्य के साथ रहता है, जब हम उसे ही भूल जाते हैं, उस कृष्ण को, उस परमात्मा को भूल जाते हैं, तभी मानवता कलेशों का कारण बनती है, तभी वो मनुष्य दुख पाता है, कलेशों में फंसता है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याणकारी है, इसलिए ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे पूरे समाज का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग सकता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। जब तक किसी मनुष्य का खुद ही परमात्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, उसके साथ प्रेम नहीं है, तो वो प्रेम भावना को मानवता में कैसे फैला सकता है, अर्थात उसके मन में भी कोई प्रेम भावना नहीं आएगी। जब तक वो स्वयं के अंदर प्रेम भावना लाएगा, तभी वो मानवता से भी प्रेम करना सीखेगा। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं करता, वो परमात्मा है, अजर अमर है, और इसे उस बात पर कभी भी संदेह नहीं होता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है, जिसे परमात्मा के वास का अनुभव होता है। और किसको होता है, जिसके मन में कोई पाप छल कपट नहीं है, जिसकी आत्मा बिल्कुल निश्चल है, स्वार्थ रहित है, ऐसे लोग ही परमात्मा का अनुभव करते हैं, तो और उन्हें ही परमात्मा की उपस्थिति भी पता चलती है। ऐसा है यह देवी प्रेम, इसी को ही उस परम पिता से प्रेम अर्थात दैवी प्रेम कहा गया है। कहने का भाव है कि लालच द्वारा जो भी प्राप्त की हुई वस्तु होती है, उसमें आनंद केवल क्षणिक होता है, अंतरात्मा का सुख नहीं मिलता। आंतरिक शांति के लिए बाहर की वस्तुओं से झूठी जो शांति मिलती है, उसका त्याग करना चाहिए, तभी मनुष्य को आंतरिक सुख मिलेगा और तभी परमार्थ भी प्राप्त होगा, अन्यथा वो इसी भवबंधन में फंसा रहेगा और वह भौतिक उसका शरीर भी इसी जाल में फंसा रहता है। अगला श्लोक, काम क्रोध विमुक्तात्मा यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तन्ते विदितात्मनाम। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उन्हें मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मतलब जिनका अपने क्रोध पर नियंत्रण है, जिनका भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण है, जो अपने अंतर मन से संतुष्ट हो गया है, जो है जितना है उसी में संतुष्ट है और हमेशा परमात्मा के भजन सिमरन में लगा रहता है, अपने अध्यात्म की उन्नति के लिए
हमेशा तैयार रहता है, तो भगवान कह रहे हैं उस वो उनका ये मुक्ति पथ पे जो निकले हैं वो भविष्य में जरूर उस परमात्मा को पा लेते हैं। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुष में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वही श्रेष्ठ है। हमेशा जो मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं और अपने मन में उस परमात्मा को धारण करते हैं, हमेशा उसके भजन सिमरन में लगते हैं, उसको याद करते हैं, उसके लिए फिर मुक्ति का मार्ग आगे भविष्य में जरूर मिलता है। भागवत पुराणों में कहा गया है, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो, बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। अर्थात जो अपना कर्म भी करता रहे, उस परमात्मा को भी याद करता रहे और परमात्मा के चरण कमलों की सेवा भी करता रहे, तभी उसको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। बुद्ध जीवी में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। बुद्धिजीवी मतलब हम मनुष्य, हम जो भी कामना करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, छोटे से छोटा, उसकी फल की इच्छा हमेशा रहती है। ये करने से क्या होगा, भगवान के अगर हम ये पूजा करेंगे हमें क्या मिलेगा, वो करने से क्या होगा, तो हमें निष्काम कर्म करना है, फल की इच्छा को त्यागना है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ऋषि मुनि भी कितने ही क्यों ना कठोर तप कर ले, फिर भी इच्छाओं को वश में करना उनके लिए भी कभी कभी मुश्किल हो गया है, उनके लिए भी कठिन होता है। जो भगवत कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता रहता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, जो आत्म ज्ञान में स्थिर जिसने अपना मन बुद्धि लगा दी है, वो शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है, फिर वो जल्दी ही इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने पर वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। जब उसको आत्म ज्ञान हो जाता है, अपने गुरुजनों से जब उसका ज्ञान की ज्योत जल जाती है, उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उसको आगे अपने अध्यात्म का मार्ग दिखने लग जाता है, तो वो स्वयं ही समाधिस्थ अर्थात समाधि में लीन हो जाता है। एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। पुराणों में एक उदाहरण बताया गया है, दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्स्य कूर्म विभंगमा स्वान्य पत्यानि पूष्णन्ति तथा महपी पद्मज। इसका क्या मतलब है कि मछली कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं, हे पद्मज मैं भी उसी तरह करता हूं। मतलब मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, वो सिर्फ दृष्टि, उसके हाथ पैर नहीं है, कोई अंग नहीं है, केवल दृष्टि रखती है अपने अंडज पर कि उसके बच्चे उसमें सुरक्षित रहे, निरंतर देखभाल करती रहती है केवल अपनी दृष्टि से। और कछुआ केवल चिंतन करता रहता है और अपने बच्चों को पालता है। कछुआ वहीं पर अपने अंडज देके दूर पानी में चला जाता है और वहीं से ही ध्यान रखता है कि मेरे अंडों को कुछ हुआ तो नहीं। तो कछुआ अपने अंड स्थल में ये अपने चिंतन द्वारा उनका ध्यान रखता है, चाहे वो स्वयं जल के भीतर कहीं दूर क्यों ना चला जाए, तो ये अंडों के चिंतन द्वारा वो उनकी रक्षा करता है। और पक्षी अपने स्पर्श से अर्थात अपने पंखों से जो गर्मी उसको देते हैं, तो इस तरह उनके संतान सुरक्षित रहती है। तो मछली कछुआ पक्षी दृष्टि चिंतन और स्पर्श से अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, अपनी संतान का पालन करते हैं। कमाल, इसी प्रकार ये जी इसी प्रकार भगवत जी कमाल। इसी प्रकार भगवत भगवत धाम से दूर रहकर भी भगवान का चिंतन करते हुए उस परम पिता के धाम को पहुंच सकते हैं। अगर हम भी बैठे हैं भगवान को याद कर रहे हैं, तो परमात्मा को भी हमारा ध्यान रहता है, फिर वो हमें भी फिर वो अपने धाम जल्दी ही पहुंचा लेते हैं, फिर हम भी उससे दूर नहीं, किंतु हम मोह माया में फंस कर उसे भुला देते हैं। अगर हम ही उसका चिंतन नहीं करेंगे तो वो भी फिर नहीं ध्यान रखता, किंतु परमात्मा तो करुणामयी सरकार है, अगर हम भी चिंतन करते हैं तो उसे अपने हर जीव का हर क्षण ध्यान रहता है। और यह जीवन अवस्था
ब्रह्म निर्माण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। जब उसका सिमरण करते रहते हैं तभी पदार्थ जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं तो उससे हम छूट सकते हैं, उन भौतिक कष्टों से हम तब छूट सकते हैं और हम भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः हरे नमः। विषयों की प्रेमी गणिका साधु संगत पाया तोते के संग मिलकर श्री राम गुण गाया करके दया बढ़ाई निज दाम हंसते हंसते निज दाम हंसते हंसते मीरा ने श्याम पाया घन श्याम रटते रटते जब दिल की लहर उठती है दिल के ही अंदर आते हैं भागे भागे ओंकार श्याम सुंदर बवर से पार लगावे बवर से पार लगाए प्यारे श्याम हंसते हंसते घन श्याम हंसते हंसते मीरा ने श्याम पाया घन श्याम रटते रटते घन श्याम रटते रटते मीरा हो गई दीवानी मीरा हो गई दीवानी प्यारे श्याम रटते रटते घन श्याम रटते रटते। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। सवेरे शाम उस प्रभु का सिमरन सारी संगत करती रहे। बापू जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। ये संगीता जी आज की जो आपने की है ना ये बहुत मन प्रसन्न हुआ। वो सहज भाव से जो व्याख्या की है तो मेरा दिल क्या उठा यदि मैं एग्जामिनर होता आप तो आपको नंबर 10 के 10 में देता। बिल्कुल बिल्कुल। यदि मैं एग्जामिनर होता तो नंबर 10 के 10 देता। तुम्हारी प्रस्तुति के तुम्हारी शैली के मैं नंबर अलग देता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे बापू का हुक्म है जो आपके मुखारविंद से निकला। ये मेरे बापू का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी संगत एक परमात्मा स्वरूप है सबका आशीर्वाद मेरे लिए। बहुत बाकी साढ़े सरदार नागपाल जी तरह तरह के नत्था सिंह जी रहते ने इन्होंने तो कोई मुकाबला नहीं। ऐ तो इन्हों नंबर देने की लोड़ नहीं बापू ने नंबर दिते ने साड़ी तो औकात नहीं नंबर देने की इन्हों कोई। संगीता जी दे हमेशा 10 च 10 ही होंगे। बहुत अच्छा सरला मैं सीधी पहला तुसी दे कर लगा मामा ही डंडा म्यूट है। सरला मासी जी पहला तुसी दे कर लगा तो फिर मामा ही लगा। अच्छा मेरे बापू ही सब कुछ करा रहे हैं मैं तो कुछ लायक नहीं हूँ। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने। बापू करांदे जी बापू जी ना बापू दे का सारे है ने सी जी बिल्कुल जी बिल्कुल हां जी मासी जी आपू नंदा चौर वाले आपकी सदाई आपकी सदाई जय आपकी सदाई जय बापू नंदा चौर वाले आप मेरे दिल में मेरे सतगुरु क्या रंग भर दिया है मेरे दिल में मेरे सतगुरु क्या रंग भर दिया है क्या बात है जोड़ेगा
छोड़ेंगे ना ये धर इकरार कर लिया है, छोड़ेंगे ना दर इकरार कर लिया है, मेरे दिल में मेरे सतगुरु क्या रंग भर दिया है, जिस दिन से पी लिया तेरे नाम का प्याला, जिस दिन से पी लिया तेरे नाम का प्याला, मुझको खबर नहीं ये दिल किधर गया है, मुझको खबर नहीं ये दिल किधर गया है, मेरे दिल में सतगुरु रंग भर दिया है, छोड़ेंगे ना दर हम इकरार कर लिया है, जिसका भी हाथ थामा बंदा बनावे प्रभु का, जिसने भी हाथ थामा बंदा बनावे प्रभु का, कोई जिस पर नजर तेरी समझो वो तर गया है, जिसका भी हाथ थामा जिस पर नजर पड़ी तेरी बंदा बनावे, जिसका भी हाथ थामा बंदा बना वह प्रभु का, कोई जिस पर नजर तेरी समझो वो तर गया है, मेरे दिल में क्या रंग बच गया है, छोड़ेंगे ना ये दायम इकरार कर लिया है, तेरी चरण धूड़ी जब से मस्तक को छू गई है, तेरी चरण धूड़ी जब को छू गई है, मेरी नजरें बदल गई है, मेरा जीवन सवर गया है, तेरी चरण धूड़ी जब से मस्तक को छू गई है, मेरी नजरें बदल गई है, जीवन सवर गया है, मेरे दिल में मेरे सतगुरु क्या रंग भर दिया है, छोड़ेंगे ना डर इकरार ग्राइंडर, जिसे आप सूखे मसाले ग्राइंड कर पाएंगे और चटनी भी बना पाएंगे वो भी सेकंड्स में, ये बना है स्टेनलेस का जो चलेगा सब। मैं फिर वही रहता हूँ, चर्चा हो तुम्हारी अपना है वही जिगरी, जिसके नाम से जिसने नाम तेरा लिया है, मैं फिर वही रहता हूँ जिसमें चर्चा हो तुम्हारी अपना है वही जिगरी, जिसने नाम तेरा लिया है, मेरे दिल में मेरे सतगुरु रंग भर दिया है, छोड़ेंगे ना डर हम इकरार का, सजदा किसी के आगे अब तक किया नहीं था, सजदा जो अब किया है तेरे चरणों पे रख दिया है, मेरे दिल में मेरे सतगुरु क्या रंग भर दिया है, छोड़ेंगे ना डर हम इकरार कर लिया है, इकरार कर लिया है, छोड़ेंगे ना ये डर हम इकरार कर लिया है, बापू आपकी सदा। वाह जी वाह, बहुत सुंदर मासी जी। हाँ जी हाँ जी, मैं सुनावा हूँ। हाँ जी, किन्ना टाइम है? हाँ जी, टाइम किन्ना का? मैं उस हिसाब से सुना लवा। मामा जी, तीन चार जाने पेंगे रोज ही है, तीन चार जने है ने, तो टाइम 15 मिनट है, बाकी देख लो। चलो मैं तो 2-3 मिनट का ही सुनाना फिर। तुसी आज ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਾੜੇ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ, ਹੀ ਜੈ ਓ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਓ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਦੇ ਰੋਕੇ ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੈਂ,
ओ वेला याद कर, ओ वेला याद कर, नर सिर दे पार खलो के तरले पौंदा सैं, ओ वेला याद कर। जद कर्मा दी उस कोठड़ी दे विच तंग सी तू, जद बादशाह होके रंगों भी बदरंग सी तू, जद कर्मा दी उस कोठड़ी दे विच तंग सी तू, जद बादशाह होके रंगों भी बदरंग सी तू, अंदर अग नरक दी साड़े तू करदा सी रो रो हाड़े, अंदर अग नरक दी साड़े तू करदा सी रो रो हाड़े, कूक सुनाउंदा सैं, ओ वेला याद कर, ओ वेला याद कर। जदों विच गर्भ दे रोके नाले सिर दे पार खलोके तरले पौंदा सैं, ओ वेला याद कर। तू कहिंदा सी रब्बा पूरी मेरी मुराद करी, इस काल कोठड़ी विच्चों हुण आजाद करी, तू कहिंदा सी रब्बा पूरी मेरी आस करी, इस काल कोठड़ी विच्चों हुण आजाद करी, हुण ए बख्श गुना तू मेरा, हुण ए बख्श गुना तू मेरा, फिर मैं नाम जपांगा तेरा, फिर मैं नाम जपांगा तेरा, शोर मचाउंदा सैं, ओ वेला याद कर, ओ वेला याद कर। जद ईश्वर कीती कृपा आया बाहर तू, एक बालक बन के बंदिया होया जाहिर तू, जद ईश्वर कीती कृपा आया बाहर तू, इस बालक बन के, एक बालक बन के बंदिया होया जाहिर तू, मां दे लहू नूं दुध मना के उसनू पी के चट लंघाउंदा सैं, मां दे लहू नूं दुध बना के उसनू पी के चट लंघाउंदा, लंघा के पी के चट लंघा के उम्र लंघाउंदा सैं, ओ वेला याद कर, ओ वेला याद कर। जदों विच गर्भ दे रोके नाले सिर दे पार खलोके तरले पौंदा सैं, ओ वेला याद कर, ओ वेला। जे विशियां दे विच छड़ना अमृत पीता तू, जे हुण वी नत्था सिंह न सिमरन कीता तू, जे विशियां दे विच छड़ना अमृत पीता तू, जे हुण वी नत्था सिंह न सिमरन कीता तू, ता फिर गल याद रख मेरी, ता फिर गल याद रख मेरी, मुश्किल जान बचेगी तेरी, ता फिर गल याद रख मेरी, मुश्किल जान बचेगी तेरी, जिनू बचाउंदा सैं, ओ वेला याद कर, ओ वेला। जदों विच गर्भ दे रोके नाले सिर दे पार खलोके तरले पौंदा सैं, ओ वेला याद कर, ओ वेला। ओम बापू नंदा चार वाले आपकी सदा ही जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नत्था सिंह जी तो क्या कहें, बिल्कुल याद दमा क्षमा करो, क्षमा करो मेरे अवगुण प्रभु जी, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मेरे अवगुण प्रभु जी, क्षमा करो। मैं हूँ हीन पतित खल कामी, मैं हूँ हीन पतित खल कामी, दूर करो सब अवगुण प्रभु जी, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मेरे अवगुण प्रभु जी, क्षमा करो। कई जन्मों का मैं हूँ पापी, कई जन्मों का मैं हूँ पापी, पाप करत मुझे शर्म न आती, पाप करत मुझे शर्म न आती, रोम रोम में पाप बसे हैं, रक्षा करो हे निर्गुण प्रभु जी, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मेरे अवगुण प्रभु जी, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मेरे अवगुण प्रभु जी, क्षमा करो। ब्रह्म विद्या का ज्ञान सुनाया, अधमति मैंने उसे भुलाया,
ब्रह्म विद्या का ज्ञान सुनाया, अदमति मैंने उसे भुलाया। मन मर्जी से मैं हूँ चलता, मन मर्जी से मैं हूँ चलता। कैसे होगा मेरा उद्धरण, प्रभु जी क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मेरे अवगुण, प्रभु जी क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मेरे अवगुण, प्रभु जी क्षमा करो। मन ही मन प्रभु मैं पछताऊं, नैनों से मैं नीर बहाऊं। मन ही मन प्रभु मैं पछताऊं, नैनों से मैं नीर बहाऊं। रोते बालक को गले लगाओ, दोष मेरे तेरे अर्पण, प्रभु जी क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मेरे अवगुण, प्रभु जी क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मेरे अवगुण, प्रभु जी क्षमा करो। दुखों से प्रभु मैं घबराया, दुखों से प्रभु मैं घबराया। द्वार तुम्हारे चल कर आया, द्वार तुम्हारे चल कर आया। बालक तेरा तुम संभालो, श्री चक्रधर शरणम, प्रभु जी क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मेरे अवगुण, प्रभु जी क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मेरे अवगुण, प्रभु जी क्षमा करो। मैं हूँ हीन पतित खल कामी, दूर करो सब अवगुण, प्रभु जी क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो सब अवगुण, प्रभु जी क्षमा करो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत वीर, विजय लक्ष्मी का नंबर है क्या वृंदावन वाले का? हाँ जी है, मैं भेज देना तुम। हाँ वो व्हाट्सएप कर देना चाहिए सी, है ओ बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदाई जय। स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदाई जय। आया है बापू दे दरबारी शाहाना जोगी, आया है बापू दे दरबार एक शाहाना जोगी। एक चाहना जोगी, एक मस्ताना जोगी, एक शाहाना जोगी, एक मस्ताना जोगी। आया है बापू दरबार एक मस्ताना जोगी। सिर्फ तुस्ती की सुनावा, नाम शेधा राम बतावा। सिर्फ तुस्ती की सुनावा, नाम शेधा राम बतावा। चमके जो हीरा लाल जवार एक मस्ताना जोगी, चमके जो हीरा लाल एक मस्ताना जोगी। आया है बापू दे दरबार एक मस्ताना जोगी। चंदोवद ठंडी मिठी, सूरत सोनी ना डिठी। चंदोवद ठंडी मिठी, सूरत सोनी ना डिठी। मुख तो कर दे सोनी गुफ्तार एक शाहाना जोगी, मुख तो कर दे सोनी गुफ्तार एक शाहाना योगी। आया है बापू दे दरबार एक मस्ताना जोगी। चंडा है हथी लगाया, संगता नु तारन आया। चंडा है हथी लगाया, संगता नु तारन आया। तारे कई लखा बेशुमार एक मस्ताना जोगी।
तारे कई लखा बेशुमार एक मस्ताना जोगी आया है बापू दे दरबार एक मस्ताना योगी आया है बापू दे दरबार एक मस्ताना जोगी रोटी कितों खांदे कपड़ा कितों पांदे रोटी कितों खांदे कपड़ा कितों पांदे कितों बनदे ने दस्तार एक मस्ताना जोगी कितों बनदे ने दस्तार एक मस्ताना जोगी आया है बापू दे दरबार एक शाहाना जोगी सुरमाए हथी बनांदे उस विचों रोटी खांदे सुरमाए हथी बनांदे उस विचों रोटी खांदे उस विचों बनदे ने दस्तार एक मस्ताना जोगी उस विचों बनदे ने दस्तार एक मस्ताना जोगी आया है बापू दे दरबार एक मस्ताना जोगी सुरमाए हथी बनांदे उस विचों रोटी खांदे सुरमाए हथी बनांदे उस विचों कपड़ा पांदे उस विचों बनदे ने दस्तार एक मस्ताना जोगी आया है बापू दे दरबार एक मस्ताना जोगी दास हाथ जोड़ खलोवे इस विच कोई भूल चुक होवे दास हाथ जोड़ खलोवे इस विच कोई भूल चुक होवे बख्शो मैनू मेरी सरकार एक मस्ताना जोगी बख्शो मैनू मेरी सरकार एक मस्ताना जोगी आया है बापू दे दरबार एक मस्ताना जोगी नाम है शहदारा कर दे हन पूर्ण काम नाम है शहदारा कर दे हन पूर्ण काम देन देने सबनू नाम दान एक मस्ताना जोगी देन देने सबनू नाम दान एक मस्ताना जोगी आया है बापू दे दरबार एक मस्ताना जोगी आया है बापू दे दरबार एक मस्ताना जोगी एक मस्ताना जोगी एक शाहाना योगी एक शाहाना जोगी एक मस्ताना जोगी आया है बापू दे दरबार एक मस्ताना जोगी ओम बापू शहदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय बहुत सुंदर ये वाला पढ़ ले तुसी झंडा है हथी लगाया संगता नु तारण आया है गा तुहाडे हां जी हां जी हां जी पढ़े अच्छा ठीक झंडा है हथी लगाया संगता नु तारण आया तारे कई लखा बेशुमार लखा बेश बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर हां जी थैंक यू लगाओ जी कौन रह गया रीटा सानी जी रह गए रेनू भजन बहुत सुंदर बोल दी लागे से हाजरी मेरी वैसे लागे से हां जी चलो लगा लो छोटी सी ठीक है होली रखा देनी है बोलो होली के रसिया की जय होरी आई रे शाम मरी सुतली जो होरी आई रे होरी आई रे शाम मरी सुदली जो होरी आई रे
होरी आई रे श्याम होरी सुधरी जो होरी आई रे हाँ हाँ होरी आई रे श्याम होरी आई रे ओ होरी आई रे श्याम होरी सुधरी जो होरी आई रे मैं हूँ सास ननद के बस में मैं हूँ सास ननद के बस में मेरी गलियन में फेरा दी जो होरी आई रे मेरी गलियन में फेरा दी जो होरी आई रे होरी आई रे शाम मोरी सुधरी जो होरी आई रे होरी आई रे शाम मोरी सुधरी जो होरी आई रे खेलन तो आओ मोके अंगना खेलन तो आयो मोरे अंगना मोरे अंगना प्यारे मोरे अंगना खेलन तो आयो मोरे अंगना मेरे जीवन का सब सुख रे जो होली आई रे मेरे जीवन का सब सुख ली जो होली आई रे होली आई रे शाम होरी सुधली जो होली आई रे होली आई रे शाम होरी सुधली जो होली आई रे परशोत्तम प्रभु की छवि निरखत पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत हाँ हाँ रे रसिया ओ प्यारे रसिया हाँ हाँ रे रसिया ओ प्यारे रसिया ओ प्यारे रसिया ओ पांके रसिया पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत बस अपने हृदय लगाए लीजे होरी आई रे मोहे अपने हृदय लगाए लीजे होरी आई रे होरी आई रे शाम मोरी सुधली जा होरी आई रे होरी आई रे शाम मोरी सुधली जो होरी आई रे होरी आई रे शाम होरी सुधली जो होरी आई रे बोल पांके बिहारी लाल की जय होली के रसिया की हमारी भी शाम की तरफ चली है सारियां दी हाजिरी होगी हां जी बस ठीक है मुबारक भाई एडवांस में 21 को बताया ना कविता 21 की है और 25 भैया और 23 25 चल रही है ना होलियां तो रोज हां ब्रज जी तो भाई एक हफ्ता पहले शुरू हो जाती है लाठी मार होली तो फलाणी होली बहुत बहुत बरसाने जय हो हां जी कोई जा रहा हो वृंदावन या ब्रिज कदे कोई जा रहा हो बरसाने ता हो सानू ही दर्शन करा देना भी होली ते जे हो सके ता हां जी दियो दियो विश्राम गई और चलना है बाकी हो गया मेरे हिसाब दा हां जी हां जी हां जी दर्शन दे रहे हो ना तो हो गया सुन लगा दियो विश्राम दे दियो फिर नागपाल जी ओ बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय जय जी जय ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु करदे संगतां दी प्रित पाल जी मेरे सतगुरु ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु
ऐसे हैं दीन दया मेरे सतगुरु, संगतां दे दुख अपने शीस ते लैंदे, शीस ते लैंदे, संगतां दे दुख अपने शीस ते लैंदे, शीस ते लैंदे, मैं पूरन रब पर छुप छुप के रहंदे, छुप छुप के रहंदे, मैं पूरन रब पर छुप छुप के रहंदे, छुप छुप के रहंदे, दर्शन दे के ते कर दे निहाल जी मेरे सतगुरु, दर्शन दे के ते कर दे निहाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, नाम इना दा श्रद्धा राम प्यारा, श्रद्धा राम प्यारा, नाम ते नादा शरधा राम प्यारा, शरधा राम प्यारा, साडे लई तां इको एही सहारा, एही सहारा, साडे लई तां इको एही सहारा, एही सहारा, इह करुणा मई सरकार जी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, दर्श तेरे दियां अखियां प्यासी, अखियां प्यासी, दर्श तेरे तेरिया उड़ीका करा दिन राती, करा दिन राती, तेरिया उड़ीका करा दिन राती, इता सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु, सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु, ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, दासन दास है अर्ज सुनाऊंदा, अर्ज सुनाऊंदा, दासन दास है अर्ज सुनाऊंदा, चरणा च बह के भुला बख्शवाऊंदा, भुला बख्शवाऊंदा, चरणा च बह के भुला बख्शवाऊंदा, लालो चरणा दे नाल जी मेरे सतगुरु, लालो सीने दे नाल सतगुरु, ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे हैं दयाल मेरे सतगुरु, पिता सृष्टि दे पालन हार जी मेरे सतगुरु, पिता सृष्टि दे पालन हार जी सतगुरु, ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे हैं लाए हमारे जीवन की सदा ही जी, लेके आए हमरे जीवन में बहार जी मेरे सतगुरु, सारी समृद्ध जीवन बहार ले आने वाले वही जन, हाँ जी
ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਓਮ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਪਰਮਹੰਸ ਬਾਪੂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਓਮ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਪੂ ਭਾਨੂ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਵਾਧਾ ਕਾਟਾ ਪੁਲਚੁਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰੱਖੋ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਗਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਭੀ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਰੱਖੋ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਜਾਇਆ ਕਾਲ ਕਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਕਾਨਸਾਰ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਹਮਾਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਉਪਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੂਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ